नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सिर पर महामारी, नर्सों की हड़ताल जारी, गौमांस की बिक्री करते दो गिरफ्तार, पार्टी का गुंडा संदीप तड़ीपार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिर पर महामारी, नर्सों की हड़ताल जारी, पहले दो घंटे आंदोलन, फिर दो दिन की हड़ताल के बाद भी प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के बाद पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत नर्सों के संगठन ने 25 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। कोरोना महामारी के काल में नर्सों की हड़ताल ने मेडिकल, मेवो और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रशासन का टेंशन बढ़ा दिया है। फिलहाल सभी पूर्व नियोजित ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, वार्डों की संख्या भी कम कर दी गई है। दो दिन तक जारी नर्सों के काम बंद आंदोलन की वजह से मेवो मेडिकल और सुपर में स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। मेडिकल के अधीक्षता ने नियोजित शल्य क्रिया नहीं करने के संबंध में पत्र जारी किए हैं। केवल आकस्मिक शल्य क्रिया करने के लिए ही आदेश दिए गए हैं। मेडिकल में 1700 बेड हैं और 50 वार्ड कार्यरत हैं। केवल 86 नर्सों के भरोसे दो दिनों तक व्यवस्था चलाई गई, लेकिन अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से वार्डों की संख्या कम करते हुए 34 कर दी गई है। मरीजों को वार्डों में शिफ्ट किया जा रहा है। मेडिकल की 750, मेवो की 220 और सुपर की 70 से अधिक नर्सें हड़ताल में शामिल हुई हैं। तो वहीं दूसरी ओर गौमांस की बिक्री करते हुए दो आरोपी हुए गिरफ्तार। उमरेड शहर के नगर परिषद समीप बुधवारी पेट में गौ हत्या कर गौमांस बिक्री करते हुए नागपुर निवासी दो आरोपियों को उमरेड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से कुल 17,950 रुपए का माल जब्त कर लिया गया है। उमरेड शहर के नगर परिषद समीप बुधवारी पेट में गौवंश मवेशियों की निर्दयता से कत्ल कर गौमांस की बिक्री करने की जानकारी पुलिस को मिली है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर शेख सादिक, शेख बिस्मिल्ला बुधवारी पेट उमरेड तथा यशोधरा चौक के बिलाल मस्जिद के आगे नागपुर निवासी मोहम्मद अनीस अब्दुल अजीज को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के वक्त दोनों आरोपी लकड़ी के ओड़के पर मटन काटते हुए पाए गए। उमरेड पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर घटनास्थल से गौमांस मटन, 110 किलो गौमांस कत्ल के लिए इस्तेमाल करने वाले औजार, अन्य सहित आदि कुल मिलाकर 17,950 रुपए का माल जब्त कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को उमरेड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं तीसरी ओर पार्टी का गुंडा संदीप तड़ीपार। पार्टी के गुंडे संदीप डोंगरे को एक साल के लिए तड़ीपार किया गया है। नवीन नगर निवासी संदीप के खिलाफ अवैध शराब की बिक्री, जुआ आदि के मामले दर्ज हैं। उसके परिसर में दशहत है। इसे देखते हुए जोन 5 के DCP ने उसे एक साल के लिए जिले से तड़ीपार किया है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।